that was the purpose. So child and adolescent both were there involved in this, and we thought कि हम लोग तो जो अपने सिरे से करते हैं वो करते हैं, आप लोग हैं तो इस पे भी एक आपका इन्वॉल्वमेंट भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम लोग लॉट ऑफ टाइम वी वांट टू डू थिंग्स और यू नो हाउ डॉक्टर वेग हैज बीन एसोसिएटेड विद अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओस एंड दे देमसेल्फ दे विल टेल अस हैव अ एनजीओ है आपका एनजीओ है सो लेट्स प्लीज टेक ओवर Dr. Shalini Ma'am is the president of Adolescent Health Academy Lucknow, and on behalf of Adolescent Health Academy Lucknow and Lucknow Academy of Pediatrics, I welcome you all to this session, brainstorming session regarding the celebration. We were celebrating our Adolescent Health Week from 7th November to 14th of November, and in which we organized the Teenager Day, the Girls Child Day, and the purpose of this week is to make our stakeholders like doctors, the NGOs, teachers, principals of the school, and the person who are working in the field, social workers, to make them aware that what is needed and what we are doing and where we are lacking, where we can improve. So the topic today we want to discuss was that, because since ours is a, like we are the top, if I talk about the generation, the adolescents today are from the Generation Z. The children born between 1997 and 2013, they are called as Generation Z, and they have got a very typical traits, as we all, you all will agree, because I have also my three daughters, and the children born between 1981 to 1997, they were called millennials, and we belong to the age, we are called Generation X. So I mean, now we are two generations, in fact, and now the Generation Alpha is going up. The kids born after 2013 are called Generation Alpha. So we are at least four generations above them, and so typical generation gap is there. We might not be able to understand their psyche and their psychology, but as a pediatrician and as a social worker, as a person working in the field, we must be aware that what they are thinking. If we can accept their thoughts, then only we can design our programs. अब वो ज़माना चला गया कि हम इसको बच्चे को भाषण देते रहें, स्पीच देते रहें, और वो हमारी सुनेगा. वो बिल्कुल आपकी नहीं सुनेगा. मेरे पास क्लिनिक में आते हैं, आपके पास आते हैं, कोई बच्चा आज घर में दाल चावल नहीं खाना चाहता, स्कूल से आते हैं, देयर फर्स्ट क्वेश्चन इज मम्मा क्या पका है, आपने कहा दाल चावल, भूख नहीं है, खाना नहीं खाना है. शाम को उन्होंने जोमेटो ऑर्डर किया, पिज्जा चला रहा है, पास्ता चला रहा है. तो ये जनरेशन को अगर हम उस हिसाब से टैकल नहीं करें, तो ये जनरेशन हम नहीं संभाल पाएंगे. आई थिंक द चाइल्ड सिटिंग हियर, द बॉय सिटिंग हियर कैन एग्री विद मी, बिकॉज हमें इनकी मेंटेलिटी, मैं अपने सारे पेरेंट्स को ये बताता हूँ जो मेरे पास आते हैं, कि आपको बच्चे की मेंटल लेवल के हिसाब से उसको गाइड करना है. आप वो दादाजी वाले श्लोक, उस टाइम ही नहीं उनको सुनने का, दादाजी उनके हिसाब से बक रहे हैं, दादाजी की अब कोई बात का वैल्यू नहीं रहा. तो आई थिंक हम लोगों को एज ए स्टेक होल्डर, हम लोगों को अपने बच्चों की मेंटेलिटी को समझना है. जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ कि जब हमारी मम्मी कहती थी कि भैया चेंज कर दो, चैनल चेंज कर दो, तो हमें लगता था यार इनको चैनल भी चेंज नहीं करता, रेडियो के साउंड नहीं देते, रेडियो स्टेशन लगा सकती हैं. और आज हम वही कर रहे हैं. अगर हमारा, हम चैनल तो चेंज करना हमें आ गया, बट हम चैनल पे एक्टिव हैं. अगर हम मोबाइल में नहीं फंसते, तो हम अपने बच्चे को कहते बेटा देखो ये मोबाइल हैंग कर रहा है, इसको जरा सही करो. तो आई थिंक दैट जनरेशन इज स्मार्टर देन अस, एवरी जनरेशन हैज बीन स्मार्टर देन अस. हमसे वो बच्चे हमेशा बेहतर थे, आज की जनरेशन हमसे बेहतर है, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसकी उस बेहतरी को लेकर हमें उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उनके क्वालिटीज को, और जहाँ वो लैक कर रहे हैं. जो आज की मुद्दा हम लोगों ने कहा है कि जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो सक्सेस की सीढ़ियों पे तो चढ़ते चले जाते हैं, बट अगर वो फैमिली लेवल पे देखें तो कहीं वो डिस्कॉर्ड बढ़ता जा रहा है. एक एक महीने में तलाक होने लगे हैं, सेपरेशन हो रहा है, लोगों को शादी ब्याह से विश्वास कम होता चला जा रहा है. तो कहीं ना कहीं हम लोग की एजुकेशन में इस पार्ट को हमें इम्पॉर्टेंट है, कि जहाँ पर हम उनको इम्पार्ट करें कि भाई पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, करियर बहुत जरूरी है, बट अगर आप शादी को बहुत डिले करो, जैसे लड़कियों को देखें कि अब पहले 25 के बाद लड़कियों को लगता था कि अभी इनकी शादी हो जानी चाहिए, आज की लड़की 30 के बाद भी कहती नहीं अभी नहीं, अभी आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर शादी. पहले शादी फिजिकल प्रिपेयरनेस पर कर दी जाती थी, अब मेंटल प्रिपेयरेशन पर शादी होती है. मेंटली प्रिपेयर अगर मैं होंगी तो मैं शादी करूँगी. लड़का कह रहा है अगर मैं कमा भी रहा हूँ, अगर मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ तो आई एम नॉट टू मैरी. और अगर आप जबरदस्ती उसकी मैरिज करा देते हैं, तो एक महीने बाद, दो महीने बाद चीज़ें खराब हो जाती हैं और सेपरेशन के अंदर नौबत आ जाती है. तो आजकल हम लोग इसी, आज हम लोग आज इसी बदले पर बात करेंगे कि हम लोग अपने
जो आने वाली जनरेशन है उनको कैसे टैकल करें, उनको कैसे हम लोग मॉडिफाई करें, उनके थिंकिंग प्रोसेस साथ कैसे चल के उनको एक अच्छा फ्यूचर दें। क्योंकि ये तो सच है कि मैम उनको फ्यूचर के बारे में इतना अंदाजा नहीं, हम लोग अपने तजुर्बे से बता सकते हैं। उनको लगता है कि जो वो देख रहे हैं सोशल मीडिया में वो सब सच है, बट इतना सच होता नहीं जितना उनको लगता है। तो इसीलिए हम लोग आए हैं और आई थिंक हम लोग सब लोग अपने व्यूज़ लेना चाहेंगे सब लोगों के, कि हम लोग कैसे इसको लोगों के जो थिंकिंग प्रोसेस है, बच्चों के थिंकिंग प्रोसेस साथ चल के हम लोग इस अपने एडमिशन हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक वी कैन हैव वन बाय वन, सर आप लोग का इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अभी बच्चों के बारे में बताइए हम क्या कर रहे हैं और कैसे हम लोग सकते हैं और हम लोग की अगर आप लोग अपने फील्ड में। थैंक यू वेरी मच। पहले वो लखनऊ अकेडमी एडोलेसेंट हेल्थ अकेडमी और लखनऊ अकेडमी ऑफ रोबोटिक्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ मदद किया और बोलने का मौका दिया। तो असल में देखें कि प्रॉब्लम है कहाँ, सोशल प्रॉब्लम्स आ कहाँ रही हैं। जो आज का हमारा एडोलेसेंट है, जो लड़के और लड़कियां हैं, हमें उनको आज से ही समझाना होगा, बल्कि इससे पहले भी उनकी इस तरह से तरबियत करनी होगी लड़का और लड़की को। और ख़ास तौर से मैं लड़कियों की बात करूँगी, क्योंकि लड़की ख़ास तौर पर हमारे माशरे का, हमारे समाज का वो हिस्सा है जो कि हमारी आगे की जनरेशन बना रही है। तो आज के ज़माने में हमारे, हम अपने हिंदुस्तान में देखते हैं तो लड़कियां डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और सीईओ हैं किसी कंपनी में और डायरेक्टर बनी बैठी हैं। तो बहुत उन लोगों पर काम है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत कुछ असलूबी से आज की लड़कियों ने अपने आप को, हिंदुस्तानी लड़कियों ने अब पूरी दुनिया से अपने आप को मनवा लिया है, क्योंकि वो चंद्रयान मिशन जो है उसकी भी हिस्सा रही है। तो अब तो ये डिबेट खत्म ही हो गई कि औरत लड़की मर्द के बराबर है या वो तो सब प्रूफ हो गया है। लेकिन देखा जाए तो प्रॉब्लम आखिर में जो ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं कि तलाकें हुए जा रही हैं, एक एक दो दो महीने की बिलीव करें कि शादियां हैं और लड़कियां घर आके बैठ गई हैं, एजुकेटेड लड़कियां हैं, लोग जो हैं, आदमी चाहता है कि भाई हम शादी करेंगे तो ऐसी जो वेल स्टेब्लिश लड़की होगी वो खाई खाई देख के शादी कर देंगे। अब लड़की घर में आ गई तो कह रहे हैं तुम मेरी माँ की तरह की सब्जी नहीं बना पाती हो, बच्चों की देखभाल सही से नहीं कर पा रही हो। ठीक है, मैंने तो आप आज के दौर में आज की लड़की का मुआवजना पिछले औरतों से नहीं कर सकती, वो आज की हो सकता है वो रोटी ना पका सके, वो तो अपनी जिम्मेदारियां हैं निभाने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर वो आप ये तो देखिए कि पिछले जमाने की औरतों की तुलना में आज की औरत के कंधे पर बहुत ज़्यादा बोझ है, जो कि वो घर के साथ साथ बाहर को भी निभा रही है। उसने अपने अपने बाहर की दुनिया में अपने आप को मनवा के और घर में भी वो कर रही है। और मेरा भी आज की बच्चियों को यही मतलब ये है कि वो लोग भी थोड़ा सा बेशक वो नौकरानी रखें काम काज के लिए, बच्चों को देखने के लिए, लेकिन अपने रिश्ते नाते जहाँ तक हो सके निभाने की कोशिश करना चाहिए और घर वालों को भी उनका जायज मकाम देना चाहिए कि दौड़ के शादी तो कर ली लेकिन आप लड़की को संभाल नहीं पा रहे हैं। कि ये भाई आज की लड़की आपको समझना है, उसके हिसाब से चलना होगा, आप वो पूरी घरदारी या वो सब अपने काम के साथ नहीं कर सकती है, क्योंकि वो अपने आप को और अपने पूरे हिंदुस्तान को दुनिया में मनवा रही है। तो इसलिए मेरा यही कहना होगा कि लड़कियों को भी हम लोगों को मिलजुल कर एक ये देखना होगा कि अगर कोई लड़की अपने मियां का कंप्लेन अपनी दोस्त से कर रही है तो दोस्त लड़की का देख रही है ये क्या कह रही है, उसको लड़के की तरफ की बात नहीं पता है। तो हमको इस तरह के सोशल लोगों को करना होगा साथ में कि जो वो दोनों के मामलों को देखे, मर्द की भी बात सुने और औरत की भी, और फिर कोई बीच का रास्ता निकाले। क्योंकि अगर पढ़ने लिखने के बाद, तरक्की करने के बाद अगर कोई लड़की लड़कियां जो हैं वो अपने घरेलू जिंदगी में नाकाम हो रही हैं तो ये शेम ऑफ अस कि हम पढ़ लिख के हमने सब गंवा दिया है। घरेलू जिंदगी तो है ही है ना, पहले घर अगर आप हम सही से नहीं कर पा रहे हैं, घर वाले ससुराल वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो क्या है वो आराम से उसको किसी की जरूरत भी नहीं है, वो अपने अलग से कर सक रही है, लेकिन इसमें सफर कौन कर रहा है आगे की जनरेशन हमारी, जो माँ बच्चे को छोड़ कर चली जाएगी या बाप अलग हो गया तो बच्चों की तरबियत और तालीम कैसे होगी और आगे का हिंदुस्तान का जो मुझे फ्यूचर है ऐसे अगर चलता रहे तो डाल दी। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कर सकते हैं, दिस आल्सो इंपॉर्टेंट
पे आप लोग ले कवर कर रहे हैं, तो ये सब में तो पेरेंट्स दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे चले गए जी, बच्चों को देख कौन रहा, जैसे आपने कहा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों को एक जैसे घर में सिर्फ पढ़ाना लिखाना खाना पिलाना नहीं होता है ना, एक इंसान तरबियत जिसको कहते हैं एग्जैक्टली, तो वो उसके लिए भी कुछ हमें एक अच्छे इंसान, देखिए हम ये सब बच्चे जो है यही हिंदुस्तान का फ्यूचर तो यही है ना, तो इनको हमारे पास हमारे बच्चे हैं, हम उनकी तरबियत अच्छी कर सकते हैं, बिल्डिंग अप अच्छी कर सकते हैं, बट हाउ आर वी गोइंग टू टेक केयर ऑफ दीज चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव एनीबडी टू टेक केयर और एनीबडी हु इज कंसर्न कि इनकी ये आगे चल के कैसे करें, ये भी एक पॉइंट है कि कैसे सब अपना अपना देखता रहेंगे, तो कैसे अपना देख रहा औरत को बच्चा और फैमिली, ये तो सोशल बच्चे पैदा तो कर दिया होगा अच्छा बच्चे में, हम लोग देखते हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज वहीं पे आते हैं जहां फैमिली मैरिटल डिस्कॉर्ड है, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं तो उसका बहुत बुरा असर बच्चों पे पड़ता है, सोशल हेलो नंबर तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, हम लोग वी आर देयर टू हेल्प but what sort of help for this also, I think zarurat ye ek chain reaction banaye jaye jo ke jaye logon ke aurat ka bhi ladki ka bhi aur ladke ka dono ka aspect dekhe jaye, ye nahi ke ladke wale jo hai ladkon ki baat karenge ladki wale ladkon ki to peech ki baat kaun lekar aayega, to aise log hone chahiye jo aage aaye और ये जो हम लोगों की मैरिटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको समझा जाए, इनके लिए कुछ काम किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि जो दहेज वाला कानून है उसको मिसयूज किया जा गया है, क्योंकि आप मतलब वही हुआ कि लड़की से नाराज हो गए मुकदमा कर दिया कि हम तुम्हें जेल करा देंगे, बट उससे सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, उससे सफर कौन कर रहा है, अगर बच्चा हो गया तो सफर बच्चा कर रहा है, एक पक्ष अपने में अकड़ा हुआ दूसरा पक्ष अपने में अकड़ा हुआ, बट अक्सर हम लोग क्लिनिक में कितने तालाक हो जाते हैं कि भाई तुम लोग इसके बारे में सोच रहे हो, तुम अपनी सोच रहे हो तो अपने सोच, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसमें कोई जगह डिफेक्ट आ गया, जैसे हमारे पास एनएससी में अगर बच्चे में मैम जरा सा भी डिफेक्ट आ जाता है तो ब्लेम ये शुरू होता है ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे खानदान में प्रॉब्लम क्यों हो गई, और तलाक तक की नौबत आ जाती है, जो कि हम लोग अपनी क्लिनिक में बैठ के सुन जाते हैं कि भाई इस बच्चे का तो सोचो भी ज्यादा नहीं, चार दिन का बच्चा और आपको पैदा होने की बात कर, तो आई थिंक एज ए सोशल वर्कर हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं हम लोगों को एक चेन रिएक्शन बनानी होगी, एक चेन अपनी कड़ी बनानी पड़ेगी ताकि ये कंप्लीट हो सके, हर फील्ड में हम नहीं जा सकते, कुछ फील्ड में आप नहीं जा सकते, कुछ फील्ड में आप नहीं जा सकते, बट अगर हम सबको जोड़ें तो एक बहुत खूबसूरत नाला तैयार कर सकते हैं जो कि हमारे हिंदुस्तान के गले में हम पैदा पहना सकते हैं, खूबसूरत नाला को और हमारा देश और हमारा समाज जिससे तरक्की कर सकते हैं, तो आई थिंक दैट वॉज द मेन पॉइंट ऑफ एडोलेसेंट वीक जो हम लोगों ने आज मनाया है और हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, मुझे खुशी है कि आप लोग सब लोग आए और सब आप लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और आई थिंक वी विल बी इन टच, अभी हम लोग खत्म नहीं करते नहीं, एक्चुअल क्या क्या करेंगे उसको